गर्मी की वजह से मुंबई का हाल बेहाल हो चुका है। आप देख रहे, मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने फ्रेश हो गया था और अभी मेरा हाल देख गया, पसीने से भीग चुका हूँ। ऐसा लग रहा है फिर से समर ने मुझे नहला दिया। तो अभी हम सो के उठे थे 11 बजे, अभी 11:30 बज रहे हैं। तो ये वैसे मेरा पहला रेट, मैं पहला वीडियो नहीं है मेरा, पहले भी और एक रिटेक हो चुका है, उसी के चक्कर में पूरा हाल हो चुका है। अभी मुझे फिर से फ्रेश होना पड़ेगा और फिर से चेंज करके जाना पड़ेगा। और जाना है आपको आज के दिनचर्या बताते, जाना है हमें थाना, ऐरोली और CSP। तो पहले हम सबसे पहले हम जाएंगे थाना में। थाना में हमें जाना है इसलिए क्योंकि हमें लेना है राइडिंग गियर्स, क्योंकि हमारा पहला राइड होने वाला है यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद। और राइड कुछ 2-3 दिनों के लिए होगा, शायद से 3 दिनों के लिए होगा। तो उसके लिए राइडिंग गियर्स परचेस करने हैं, क्योंकि थोड़ा इतना मतलब दूर जाना है तो उसके लिए सेफ्टी तो ज़रूरी है। चाहे बाइक कौन सी भी हो, कौन सी भी CC की हो, डजेंट मैटर, अपने को सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो थाना में और ऐरोली में दोनों भी जगह बाइक के रिलेटेड जो भी गेयर्स रहते हैं वो मिलते हैं वहाँ पे शॉप से, मतलब बहुत सारे शॉप से, बट वो दोनों शॉप थोड़े उनसे उनमें थोड़े अच्छे इन्फॉर्मेशन भी अपने को मिल जाएगी गेयर्स के बारे में। तो शॉपिंग लिस्ट में हम पहले ऐड करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी इज टैंक बैग। आज मस्त तगड़ा वाला शॉपिंग हुआ है, ये देखो मस्त कुछ है। अर्बन का द ग्लव्स, एक मेरे लिए, एक इसके लिए, नी पैड्स, कौन से कंपनी के लोगो, तो अल्पाइन स्टार है लोगो, अल्पाइन स्टार है सब पता नहीं है। अरे कुछ फ्री में गिफ्ट मिले, और ये राइडिंग बूट्स ओराज, ओके इसको अभी अनबॉक्स करेंगे घर पे जाके, तो घर पे जाके दिखा थे वहाँ पे हमने, वहाँ पे हमें भूल ही गए रिकॉर्डिंग करने के लिए, मुझे याद ही नहीं। अभी मैं यूट्यूबर हूँ, तो वहाँ पे तो रह गए बाकी रिकॉर्ड करने का बस। अभी आज संडे बट बहुत काम है, अभी संडे मुझे अभी CST जाना है, CST में कुछ एक काम है तो वो भी पूरा करना है। राइट नाउ इट्स 5:30, अभी हम अब भी घर पे आए बट अभी पूरा सफ़र ख़त्म नहीं, अभी संडे है और मुझे और एक बार CST जाना है। अभी मैंने थोड़े बहुत देर पहले कहा था कि कुछ काम है तो अभी वो करेंगे, अभी खाना खाते हैं, पहले तो पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अभी खाना खाते हैं और एक छोटा सा काम है अभी जो है आपको मैंने बताया, एक दोस्त है उसको मिलाऊंगा, उसी के लिए और एक चीज़ लेने जा रहे हैं। तो अभी वो काम वहाँ पे शायद से मुझे अलाउड नहीं है, और वैसे भी पूरा सेटअप लेके वहाँ पे अगर ब्लॉग करना चालू कर दिया तो वहाँ पे तो ब्लॉग करूँगा नहीं मैं, तो वहाँ से सीधा अभी जाऊंगा वहाँ पे कुछ शॉट्स लूँगा थोड़े बहुत। तो वहाँ पे अभी वहाँ पे शूट करने के बाद, घर पे आने के बाद मुझे ब्लॉग एडिट भी करना है। तो आज संडे है बट मेरे लिए बिजी डे, तो मिलते हैं देर बाद। 6.5 hours later तो अभी बात करते हैं कि अपने अगले राइड के लिए मैंने क्या क्या परचेस किया। सबसे पहले मैंने ये परचेस किया है अर्बन का ग्लव्स जो करीब 1300 रुपये का, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सेकेंड चीज़ मैंने परचेस की है ये कौन सा है, रिफ्लेक्स का ये नीगार्ड्स है, जो ये बायोनिक नीगार्ड्स है, दो तरह के आते हैं, बायोनिक और सेमी बायोनिक। तो वहाँ से थोड़ी हमने चर्चा करने के बाद हमको ये वाला अच्छा लगा, तो हमने ये वाला परचेस किया बायोनिक का, तो ये मेरे घुटनों को सेव करेगा। और यस ये वाला, वैसे मैं ये परचेस नहीं करने वाला था, मुझे जैकेट चाहिए था बट जो नसीब में वो मिल जाते। तो ये है अपना राइडिंग शूज़ जो बहुत काम आने वाले, ये ओराजो के शूज़ है, चाहे तो जिसको भी परचेस करना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके परचेस कर लीजिएगा अगर चाहिए तो, क्योंकि मैं प्राइस नहीं बता सकता अगर घर वालों ने प्राइस देख लिया तो।
हैंडेड तो, और ये तो फ्री, कुछ फ्री में हुडीज मिले। तो आज की शॉपिंग सिर्फ इतनी हुई है, बाकी मुझे जैकेट, बाकी मुझे राइडिंग जैकेट नहीं मिला, टैंक बैग नहीं मिला, फिर इन्फ्लेटर नहीं मिला, ऐसे बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उन्हें मिले। जैकेट और टैंक बैग उनके पास अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि मैंने कहा वो शायद से नेक्स्ट मंथ आने वाले, उन्होंने कहा है अपने को लेवल 2 का जैकेट चाहिए था, लेवल 1 का जैकेट उनके पास अवेलेबल है। तो अभी फिलहाल राइड का प्लान बना है महाबलेश्वर में 3 दिन के लिए, सो एक्साइटेड टू वेयरिंग दिस गेस। तो सबसे पहले तो मैं एक्साइटेड हूँ राइड पर जाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, शायद से मैं नवंबर में गया था, दिवाली में नवंबर में गया था मैं पुणे में, एक राइड छोटी सी राइड हुई थी, बट वो राइड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते बताएंगे कभी आगे जाके, इसलिए हम टायर इन्फ्लेटर ले रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप पे, आपको जो करना है आप कर सकते हो। और अभी हम रात को इसलिए रेडी होते कि अपने घर पे है एनिवर्सरी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो अभी उनके लिए जाके केक लेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। एक्चुअली मुझे उनके सामने भी ब्लॉग बनाना है, बट उनको नहीं पसंद, उनको नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक बात बोल देता कि मैं काम कर रहा हूँ, बस दैट सी। क्योंकि अगर उनको पता चला ब्लॉग में ब्लॉगिंग करता हूँ, वो थोड़े कैमरा के सामने अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, उनके सामने मैं खुद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, अगले साल तो कंफर्म एनिवर्सरी के वक्त एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल यह तक ही, अभी तक यहाँ तक का ही सफ़र है, अगले सफ़र में हम सीधा मिलेंगे महाबलेश्वर में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।